जिसने हमने 2014 में सरकार छोड़ी, उस दिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, खेल खिलाड़ी, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर एक का प्रदेश। और आज किस चीज में हो गया? आज नंबर एक हो गया बेरोजगारी में, अपराध में, भ्रष्टाचार में। अपराध की जो स्थिति है, केंद्र सरकार का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, उसमें हरियाणा को असुरक्षित बता रखा उन्होंने। हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कृपया बुलाएं। काफी देर से फरीदाबाद की जनता आपकी तरफ देख रही है और आपसे जो मांगे हमारे विजय भाई ने मांगी है वो हमें आपसे सीएम बनते ही चाहिए, क्योंकि विजय भाई काफी यहां पर लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि मैं विजयी होकर ये सारे काम आपके पूरे करके दूंगा। मेरी प्रार्थना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। अध्यक्षता कर रहे पीर साहब और यहाँ से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई विजय प्रताप जी, हमारे कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी, मैं सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, देखिए मैं सारे हरियाणा में घूमा और आज यहाँ कह के जा रहा हूँ आपको, पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। तो आज समय है, बातें तो बहुत थी, ऐसा क्या हुआ, एकदम कैसे हुआ है? क्योंकि लोगों ने जो हमारी सरकार थी 2005 और 14 के बीच की और इनकी 14 से 24 के बीच में दोनों के काम तोल के देख लिए। जिस दिन हमने 2014 में सरकार छोड़ी, उस दिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, खेल खिलाड़ी, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर एक का प्रदेश। और आज किस चीज में हो गया? आज नंबर एक हो गया बेरोजगारी में, अपराध में, भ्रष्टाचार में। अपराध की जो स्थिति है, केंद्र सरकार का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, उसमें हरियाणा को असुरक्षित बता रखा उन्होंने, मतलब सुरक्षित नहीं है। देख रहे हैं ना, रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करा, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हम तो ये प्रसिद्धि होगी। और खेल और खिलाड़ियों को देख लो आप, हमारी पहलवान बेटियों को आज तक ना मिला जिन्हें दुनिया में नाम कमाया हमारा। तो इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया 36 बरादरी ने कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, ये मैं ले गया। अब सवाल फरीदाबाद का है, हमारे को सेवा का मौका मिला उस समय जो फरीदाबाद पंडित जी ने बसाया था, हमारे से पहले जो इनेलो सरकार थी, भाजपा भी उसमें साझेदार थी, इसको फरीदाबाद को फकीराबाद बनाने का काम किया था, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया कि फरीदाबाद को फिर फरीदाबाद बनाए, IMT बनाया, मेट्रो लेके आए, दिल्ली फरीदाबाद से गुड़गांव रोड जोड़ी, बाईपास बनाया, कितना ही काम करा लो। और यहाँ पे अभी कह रहे थे विजय प्रताप जी, यहाँ डिग्री कॉलेज की, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया हमने, हाँ यहाँ बनाया मेडिकल कॉलेज बनाया, डिग्री कॉलेज तो बनी जाएगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनते हैं। इस प्रकार से काम किए, 10 साल इस सरकार को हुए। मेरा खुला सवाल है आपसे, भाई कोई काम किया है सरकार ने जिसको कहो भाई हाँ ये किया? नहीं किया। फिर किस बात से, किस बात के लिए? भाई उन्होंने विजय प्रताप जी ने बहुत सारी बातें कही, मैं सुन रहा था। तो वैसे तो मैं पहले बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 7 गारंटी दी है। एक तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 और महिलाओं को 2,000 और जो
आपके गरीब आदमी है उसकी 300 यूनिट बिजली फ्री और गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा का नहीं होता। ये और बहुत सारे काम है आपने देखे हुए, किसानों के लिए भी अलग से किया हमने, नौजवानों के लिए भी। और इस सरकार ने कभी भी हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ की है, ठेके पे नौकरियां दी 10 साल तक, पक्के निकले, उसका नतीजा ये हुआ कि 2 लाख पक्की नौकरी खाली है, मतलब सेंक्शन पोस्ट। और इस सरकार बनेगी तब अपने बच्चों को 2 लाख बच्चों को पक्की सरकारी नौकरी पक्की देगी। इस प्रकार से बहुत सारे बात, इस प्रकार से बहुत सारे वह हैं, बता देंगे हमारे संकल्प पत्र में पहुंच जाएगा आपके पास। लेकिन फरीदाबाद की समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ, जो बताया मेरे को मालूम है। शहर जब बसाया, जब पॉपुलेशन कम थी, सीवरेज लाइन उस टाइम बिछी थी, अब समय के अनुसार से सीवर की लाइन बड़े होनी चाहिए। पीने के पानी की समस्या है आपकी, तो भाई ये दो काम तो मेरी प्रायोरिटी, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कांग्रेस की, पीने के पानी की और सीवर लाइन की, ताकि सबसे सुखी काम और बहुत सारी बात और समस्या बताई इन्होंने, जैसे गलत फैसले किए इन्होंने। CLU है बहुत, जो हमने 1.5 हज़ार रुपये में किया था इन्होंने 15-20 हज़ार रुपये कर दिया, जो दुकानें बनी हुई हैं उनका कर दिया। और सबसे ज़्यादा भारी भ्रष्टाचार इन्होंने जो है 3 चीज़ लगा के, परिवार पहचान पत्र, मतलब परमानेंट परेशानी पत्र वो लगा दिया, और प्रॉपर्टी ID भ्रष्टाचार का अड्डा। कांग्रेस आएगी तो इनसे भाई इनको चलता करेंगे, इस प्रकार से। और बहुत बातें इन्होंने बताई हैं, काफी काम गिनाए हैं। ये काम जो भी जनहित का फैसला होगा वो कांग्रेस पार्टी करेगी, पहले भी करते रहे आगे भी करेगी। तो सवाल आता है, ये सारे काम जो विजय प्रताप जी ने बताए वो कब होंगे भाई, बताओ। कांग्रेस की सरकार आएगी जी, है ना, सरकार कौन बनाएगा भाई? सरकार बनाते हैं MLA, आप बनाते हैं MLA को। सरकार जब बनेगी जब आप अपने हल्के से कांग्रेस पार्टी का MLA बना के भेजोगे, और उसके बाद ये सारे काम होंगे। जो फैसले हमने पहले कर रखे हैं उनमें कोई नहीं, जो फैसला मौजूदा सरकार ने गलत कर रखा है उनको रिव्यू करेंगे और गलत फैसले से आपका छुटकारा दिलवाएंगे। बहुत सारे फैसले गलत हैं, इन्होंने बताया अजीब से फैसले कर रखे हैं सरकार ने। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भाई आप 36 बरादरी मन बना चुकी है फरीदाबाद का भी हटके, तो विजय प्रताप जी को यहाँ नए किसी चुनके भेजोगे तो आप पिछले बदले। हमने तो बहुत सारी ये जो बदरपुर का एलिवेटेड हमने बनवाया, सारा बीच में से रोड जा रहा है जो वो हमने बनवाया, इनने किया क्या है सवाल इस बात का, ये मेरा सवाल है। तो मेरा यही है भाई, कांग्रेस की सरकार बनानी है तो, और ये जो काम बताए हैं ये करवाने हैं, तो एक ही रास्ता है उसका, विजय प्रताप को यहाँ से विधायक बना के भेजो, उसको ज्यादा से ज्यादा मतों से बना के भेजो। एक काम मेरे कहने से कर दो, एक काम मैं तुम्हारे कहने से कर दूंगा, मेरे कहने से ये कर दो कि विजय प्रताप को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विधायक भेज दो, तुम्हारे कहने से मैं कांग्रेस की सरकार बना दूंगा मैं। और जो आज जिन साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, कपूर साहब ने साथियों ने, मैं उनका सबका स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी में उनको उचित मान और समान स्थान मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपको, बहुत धन्यवाद। और भाई एक बात सुनो, आज क्या है दुशहरा कब होगा? 12 अगर 12 तक सरकार बन गई कांग्रेस की तो दशहरा जो है यहाँ की संस्थाएं मनाएगी, सरकार नहीं मनाएंगे, तो आपको दशहरा मनवा देंगे। मंदिर बात आपको ठीक बात है,
वो तो बताया विजय प्रताप ने, सब समझदार है, पढ़ा लिखा शहर है। पांच तारीख होगी, बटन नंबर पांच पंजे पे निशान लगेगा। बहुत बहुत साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।